वालेकुम स्टूडेंट्स आपकी टीचर माविश काजनी एक नए टॉपिक के साथ आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर है आज हम जो सिलेबस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री से मुतल है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसमें हम बात करेंगे कि एटम जो कि एलिमेंट और मैटर का सबसे छोटा और सिंपल पार्ट है उस एटम का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से उसके स्ट्रक्चर में प्रोग्रेस हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशंस की जिसकी वजह से आज हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो कुछ भी मालूम है वो उन्हीं की मरहुन मन्नत है तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री से देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना शुरू किया गया नाइनटीन सेंचुरी में जॉन डॉल्टन ने एटम के बारे में ये बताया हमें कि एटम जो है वो एक इनडिविजल पार्टिकल है जिसको मजीद नहीं तोड़ा जा सकता इसका मतलब ये हुआ कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल सबसे स्मॉलेस्ट uh, पार्टिकल जो है वो एटम था लेकिन जब और इस बात को सही भी माना गया लेकिन उन्नीसवीं सदी के आखिर तक ये माना जाता रहा कि एटम जो है उसको मजीद नहीं तोड़ा जा सकता और एटम सबसे छोटा ज़र्रा है मादे का लेकिन कुछ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स जिनमें गोल्सटिन जे जे थॉमसन रदरफोर्ड बोहर ये साइंटिस्ट इन्होंने बताया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं बल्कि डिविजिबल है क्योंकि वो सब अटामिक पार्टिकल से बना है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीन पार्टिकल्स के बारे में हमें वक्त के साथ साथ डिफरेंट साइंटिस्ट के कामों से पता चला सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड्री किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई सर विलियम क्रूक्स ने 1895 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और उसके लिए जो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स उसका सेटअप आइए देखते हैं ये ग्लास ट्यूब उन्होंने ली जिसके अंदर उन्होंने कुछ गैस को फिल करवाया और दो इलेक्ट्रोड सेट किए जिनको उन्होंने एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में से हाई इलेक्ट्रोड वोल्टेज गुजरा तो उसने इसमें मौजूद गैस को उसके सब्सिक्वेंट पार्टिकल में तोड़ा और यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर लाइट्स देखी गई और वो लाइट्स बेसिकली क्या थी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि उस गैस के टूटने की वजह से इसके अंदर देखे गए जब इस गैस के अंदर और इस ट्यूब के अंदर उन पार्टिकल्स को की मौजूदगी कंफर्म हुई तो उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया गया कि ये जो पार्टिकल है ये आखिर है क्या इसकी नेचर क्या है ये किस तरीके से बिहेव करता है तो स्टूडेंट्स इसके बारे में उन्होंने जो कहा उस वक्त एट एट दैट टाइम उन्होंने इसको कैथोड रे के नाम से आ, आइडेंटिफाई किया कि वो रेज़ जो कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही हैं वो कैथोड रेज उन्होंने नाम दिया लेकिन बाय द टाइम जब उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की गई तो देखा गया कि ये जो जो कैथोड रेज़ हैं वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जो भी आ, वो अपने रास्ते में आने वाले हर ओपेक ऑब्जेक्ट का एक शेडो बनाती हैं एक साया उसके ऊपर आ जाता है जब भी वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से तक, से टकराती हैं उसके अलावा ये जो पार्टिकल्स हैं या जो रेज़ हैं कैथोड रेज ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजा गया तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करती हैं जिससे पता चला कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सर विलियम क्रूक के एक्सपेरिमेंट से ये मालूम हुआ कि फ़ास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली जो कैथोड रे में उन्होंने ऑब्जर्व किया वो बेसिकली एटम का एक छोटा पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं अगली डिस्कवरी की जो थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन गोल्डस्टन ने एटीन में आ, सर विलियम क्रूक्स के ही एक्सपेरिमेंट को जब दोबारा परफॉर्म किया तो उन्होंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ कैथोड रेज नहीं है बल्कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी पाई जाती हैं और उन्होंने उसके लिए फिर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू की और जिस चीज़ ने उन्हें कामयाबी थी दी थी और जिस चीज़ ने उन्हें कामयाबी दी वो था यूज ऑफ परफोरेटेड कैथोड ये देखिए स्टूडेंट्स इस ऑपरेटर्स में ग्लास ट्यूब के अंदर जो कैथोड है उसमें सुराख हैं इसको परफोरेटेड कैथोड कहा और वही बाकी सारा एक्सपेरिमेंट वही ग्लास ट्यूब गैस और वही कैथोड एनोड रेज और वही वही कैथोड एनोड प्लेट्स और बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया गया जब अगेन करंट पास हुआ हाई वोल्टेज का तो गैस के गैस अपने सब्सिक्वेंट पार्टिकल्स में टूट गई तो देखा गया कि जो कैथोड से निकलने वाली रेस थी वो तो चली गई एनोड पर लेकिन ये भी देखा गया कि एनोड से भी कुछ पार्टिकल्स कैथोड की तरफ मूव किए ये जो पार्टिकल्स थे या ये जो रेस थी इनको केनाल रेस का नाम दिया गया ये केनाल रेस गोल्स्टन ने स्टडी ऑब्जर्व की और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी गई कि ये इनकी भी इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है केनाल रेस भी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं और इसके अलावा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं कैथोड रेस से इनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फ़ील्ड में भेजा गया तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ टर्न हुई नेगेटिव प्लेट की तरफ टर्न हुई जिसका मतलब क्या है कि इनकी अपनी नेचर क्या है पॉजिटिव है तो ये जो कैनाल रेज ऑब्जर्व की गोल्डस्टर्न ने वो उनकी नेचर क्या थी पॉजिटिव थी उसके अलावा ये देखा गया कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये एनोड जनरेट नहीं कर रहा बल्कि जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रे से निकलते हैं तो वो जो गैस है उससे टकराते हैं गैस के रेजिडुअल जो हैं सब्सिक्वेंट पार्टिकल हैं उनसे टकराते हैं और उसके टकराने की वजह से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमें ज़रात नज़र आते हैं जो कि बेसिकली प्रोटॉन है तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला जो कि गोल्स्टन ने किया था कि प्रोटोन्स किस तरीके से डिस्कवर हुए प्रोटोन की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि प्रोटोन का जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से एटीन फोटी टाइम्स हैवियर है इसका मतलब क्या है कि प्रोटोन एक हैवी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन के नस्बत और इसके अलावा ये देखा गया कि मैंने पहले ही जैसे आपसे कहा स्टूडेंट्स के जो प्रोटॉन रिलीज हुए थे वो एनोड से प्रोड्यूस नहीं हुए थे बल्कि गैस से प्रोड्यूस हुए थे तो इसका मतलब ये है कि जब भी डिस्चार्ज ट्यूब में कोई डिफरेंट गैस होगी तो वहां पर उससे निकलने वाले प्रोटॉन भी मुख्तलिफ होंगे तो उनकी मैस टू चार्ज जो वैल्यू है वो उस गैस पे डिपेंड करती है ना के एनोड की नेचर कि किस तरह का एनोड इस्तेमाल हो रहा है इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि इनके एटोमिक मैसेज एलिमेंट्स के और नंबर्स को देखा गया अटोमिक नंबर्स डिस्कवर हुए एटोमिक मैसेज की बात हुई लेकिन रदरफोर्ड एक और साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये दोनों ही मिलकर सिर्फ ये देखा कि प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन मैस को उतना क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तो उन्होंने उन्होंने उस वक्त ये प्रोडिक्शन की कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल भी है और वो न्यूट्रल पार्टिकल होगा लेकिन वो उसको डिस्कवर उन्होंने नहीं किया तो साइंटिस्ट ने काम शुरू कर दिया उसके ऊपर भी क्योंकि एक प्रोडिक्शन आती है तो उसको हर कोई ट्राई करता है तो इवेंचुअली चैडविक ने इसको डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को और किस तरीके से डिस्कवर किया उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर बम्बार करवाया और उन्होंने देखा कि जो बेरिलियम के अंदर से फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं वो उन्होंने उनको उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दिया और ये जो पार्टिकल्स थे इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी मतलब अग, ये काफ़ी थिकनेस की अगर कोई प्लेट है या शीट है तो उसको भी पार कर जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन्स जो हैं उनकी हाईली पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है इसके अलावा न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई कि न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं और उनका मैस इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल बराबर होता है प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से एटीन फोर्टी टाइम्स हैवियर है लेकिन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल हैं इन मैथ तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं रदरफोर्ड के अटोमिक मॉडल की रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया तो उस तो उन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ अपना मॉडल पेश किया उन्होंने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि एटम के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं ये आखिर किस तरीके से अरेंज है इस चीज़ के लिए रदर ने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए और वो एक्सपेरिमेंट जिसकी बेस पर उन्होंने अपना अटोमिक मॉडल पेश किया उस एक्सपेरिमेंट का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट्स कि उन्होंने पॉइंट डबल जीरो डबल ज़ीरो फोर सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल ली एक गोल्ड फॉयल जो कि इतनी कम थिकनेस की है उन्होंने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को जब रेडिएट करवाया जो कि रेडियम और पलूनियम से लिए गए तो उन्होंने डिस्कवर किया कि तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एटम की नेचर कैसी होगी इस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें गोल्ड गोल्ड की उन्होंने फॉयल इस्तेमाल की थी तो इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसका रिजल्ट क्या था और उन्होंने ऑब्जर्व क्या, क्या क्या किया इसकी बात करते हैं ऑब्जर्वेशन जो रिधर फोर्ड ने दी इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो कुछ इस तरह थी उन्होंने कहा कि जितने भी पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे फॉयल में से पास कर गए ये देखें ये इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि मोस्टली पार्टिकल्स पास कर रहे हैं फॉयल को लेकिन उन्होंने कहा कि आउट ऑफ टू थाउजेंड पार्टिकल्स बहुत थोड़े ऐसे पार्टिकल हैं जो राइट एंगल पे या कोई एंगल बना के जा रहे हैं या टकराकर वापस आ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा इसके इससे उन्होंने फर्दर क्या कंक्लूड किया अब उसकी बात करते हैं कंक्लूजन उन्होंने ये दिया इसके बाद कि चूंकि ज्यादातर पार्टिकल फॉयल को क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि फॉय, आ, एटम जो है उसका मेजर पोर्शन जो है वो खाली है और जहां जहां डिफ्लेक्शन दी पार्टिकल्स ने वो जो हीलियम के पार्टिकल्स गुजरे हैं उन्होंने जहां जहां एंगल बनाया है उसका मतलब क्या है कि सेंटर में कोई चार्ज है कोई पॉजिटिव चार्ज है उन्होंने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया चूँकि रेदरफोर्ड ने हमें यह प्रडिक्शन दी थी कि एक और न्यूट्रल पार्टिकल एटम में होना चाहिए तो उस वक्त तक चूंकि वो डिस्कवर नहीं हुआ था तो उसका जिक्र भी नहीं है इसमें तो उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होगा उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कंप्लीट रिबाउंस जो है कुछ पार्टिकल्स का न्यूक्लियस से टकराने के बाद ये बताता है कि न्यूक्लियस बहुत डेंस भी है और हार्ड भी है और वो एक एटम का एक बहुत छोटा हिस्सा है तो हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर हम एक रफली ड्रॉ करते हैं हम इसी तरीके से करते हैं कि सेंटर में हम एक सर्कुलर दिखाते हैं चीज जो कि न्यूक्लियस को शो करती है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके -कर रिवॉल्व करते हैं आई स्टूडेंट्स मैं आपको इसको बोर्ड पर बना के भी दिखाऊं कि वो किस तरीके से होते हैं नॉर्मली हम जो एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इसके आउटर मोस्ट में हम ऑर्बिट शो करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है रदर का मॉडल एटॉमिक इस मॉडल इसी तरह के एटम की बात करता है जिसके अंदर सेंटर जो है वो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ क्या है उस वक्त प्रोटॉन जो उन्होंने हमें बताया लेकिन आज हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं तो स्टूडेंट्स लेकिन रदरफोर्ड फोर्ड के ये जो एक्सपेरिमेंट था या जो इनका रिजल्ट था इसमें कुछ कमियां पाई गई कुछ डिफेक्ट्स पाए गए, गए आए वो देखते हैं वो क्या थे डिफेक्ट्स ये थे कि एटम जो है रदरफोर्ड के मुताबिक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मुसलसल एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो अगर वो मुसलसल एनर्जी रिलीज करते हैं तो एटम को विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है ऐटम स्टेबल क्यों हैं रदरफोर्ड के हिसाब से एटम को एटम जो है एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं तो अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो एक वक्त ऐसा भी आना चाहिए ना कि उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाए और वो दे डाई आउट लेकिन ऐसा होता नहीं है इसका मतलब क्या है कि एटम्स आर स्टेबल देन वाई दे आर स्टेबल रदरफोर्ड ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम एटम्स को जब उनको उनपे बम्बार्डमेंट की जाती है और उनकी पिक्चर ली जाती है तो वो एक लाइन्स की फॉर्म में एक पैटर्न आता है उसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं तो एटम हमें लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है ये रदरफोर्ड के मॉडल से नहीं पता चला तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके इसमें अंदर एम्प्रोवाइजेशन होनी चाहिए और इसके अंदर अभी कमी है तो जो नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बोहर बोहराटोमिक थेरी बोहराटोमिक थेरी रद, रदर रदरफोर्ड के अटोमिक थेरी को फर्दर थोड़ा और आप कह लेंगे इम्प्रोवाइज किया गया और उसके अंदर और एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उन्होंने क्या बताया हमें आइए उसकी बात करते हैं बोहर का मॉडल ये कहता है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैं एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैं वो मुसलसल एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब नहीं करते बहर के थेरी के मुताबिक जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्वान्टाइज है क्वान्टाइज का मतलब ये है कि वो फिक्स फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी भी जो है वो कुछ वैल्यूज़ तक फिक्स रहेगी ज़्यादा चेंज नहीं आएगी जिस तरह रदर ने कहा कि नहीं वो मुसलसल चेंज होगी ऐसा बोहर की थेरी ने नहीं कहा उसने कहा क्वांटाइज्ड है क्योंकि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस ऑर्बिट की एनर्जी भी कांस्टेंट होगी फिक्स होगी तो बोहर की एक बात जो उसको डिफरेंट करती है रदरफोर्ड से बोहर के एटॉमिक मॉडल को फ़िगर के फॉर्म में इस तरह शो किया जा सकता है आप ये देख रहे हैं ये फर्दर हम पॉस्टुलेट देखेंगे कि इस थेरी में और क्या क्या पॉस्टुलेट थे नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो पॉस्टुलेट के मुताबिक है कि बहर ने आखिर फिर क्या क्या कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट से बहर ने हमें ये बताया कि एटम जो होते हैं उनके इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है वेरिएबल नहीं होती उसके अलावा बहर ने यह भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है वो कोई एनर्जी गेन या एब्जॉर्ब नहीं करेगा मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर है वो एनर्जी ना गेन करेगा ना लूज़ करेगा लेकिन अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तब एनर्जी लूज या गेन हो सकती है इसके अलावा रदरफोर्ड इसके अलावा बहुत ने यह भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर उसकी वेलोसिटी उसकी उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है और उसके एंगुलर मोमेंटम के लिए उसने जो एक्सप्रेशन दिया वो कुछ इस तरह से था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई इसमें ये तीनों चीज़ें ये इलेक्ट्रॉन का मास है ये उसकी वेलोसिटी है ये रेडियस है एटम का ये टू पाई जो है इसको ये मैथमेटिकल कॉन्सटेंट है एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एच जो है वो प्लैंक्स कॉन्सटेंट है इसके बारे में आप डिटेल से फर्दर पढ़ेंगे इसके अलावा अभी मैंने बताया कि बहर ने यह कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में तो वो अपनी एनर्जी लूज़ या गेन कर सकता है तो हाँ इस पे बात करते हैं कि उस वक्त क्या उसका एनर्जी स्टेटमेंट क्या होगी उसकी जब एटम जो है वो लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट तक जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सपोज़ ये एटम यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा गेन करेगा तभी वो हायर लेवल में जा सकता है और अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट की तरफ आना चाहता है तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी जब इन एनर्जीज का uh, की कैलकुलेशन की गई तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आया वो इलेक्ट्रॉन जो एक हायर ऑर्बिट में था उसकी एनर्जी और वो इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट में आया उसकी एनर्जी को जब माइनस किया तो वो एच वी के इक्वल आई एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास सिक्स पॉइंट सिक्स टेन पावर माइनस ट्वेंटी थर्टी फोर्थ जॉल पर सेकेंड और वी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा तो वो लाइट वेव की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज या गेन करता है इसके अलावा हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अब हमें हमें पता चल गया कि किस किस ने कब कब कौन कौन से पार्टिकल डिस्कवर किए थोड़ा बहुत ये नुहाव भी हो गई कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बताया ये बताया कि एटम के अंदर पार्टिकल्स अरेंज किस तरीके से हैं अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की क्योंकि मेजर काम जो रिएक्शंस में शो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स शो करता है और हर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर तो अब हम उसको स्टडी करेंगे कि हम किस तरीके से उसको मेमोराइज कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल्स हम जो न्यूक्लियस के बाहर जो पाथवेज़ हैं या जो ऑर्बिट्स हैं उनको एनर्जी लेवल और शेल्स भी कहते हैं और हर एनर्जी लेवल को हमें ख़ास नंबर और नाम देते हैं अगर एनर्जी लेवल को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू वन टू थ्री एंड सॉन होगी और इसी तरीके से उसको अल्फ़ाबेट्स भी उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं और करते हैं के एल एम एन इसका मतलब है अगर आप पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो उसका के अगर आप लिखेंगे तो वो उसको प्रॉपरली सिग्निफाई करेगा एल मतलब दूसरा शेल एम तीसरा सब शेल तीसरा शेल और एम जो है वो फोर्थ सबशेल और इस तरीके से ये कंटिन्यू होता रहे रहेगा अब हम बात करते हैं कि ये ये जो एनर्जी शेल्स हैं जिनके हमने नाम दिए हैं इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूँ आप एटम को इस तरीके से लें कि लाइक एक मॉल है जिसके अंदर डिफरेंट फ्लोर्स हैं ऑर्बिट्स को आप फ्लोर से अगर डेजिगनेट करोगे या समझोगे तो आसानी रहेगी फ्लोर्स का मतलब ये है कि जिस तरह बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर होता है सेकेंड फ्लोर होता है थर्ड फ्लोर होता है इसी तरीके से एटम के बाहर जो ऑर्बिट्स हैं उनके भी इसी तरह से फ्लोरिंग है और हमने उनके नाम बस रख दिए हैं कि के एल एम एन अब ये देखना है कि हर शेल की कितनी कैपेसिटी है कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं के शेल जो है स्टूडेंट्स वो सबसे लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिट है के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है और इसके अंदर मैक्सिमम सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फर्स्ट शेल के बाद जो हमारा सेकेंड शेल है जिसको हम एल शेल कहते हैं इसकी एनर्जी के शेल से ज़्यादा है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की जो पावर है वो भी ज़्यादा है एट इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एक वक्त में आ सकते हैं थर्ड एनर्जी लेवल जो एम शेल है उसकी एनर्जी पिछले शेल से भी ज्यादा है और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकता है वो एटीन इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अलावा जो फोर्थ एनर्जी लेवल है हमारा एन शेल उसकी एनर्जी बाकी तमाम शेल से ज़्यादा है और उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिट हो सकते हैं इसका मतलब ये है कि शेल्स को हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल्स शेल्स जो होते हैं वो वो एनर्जी लेवल होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह सकता है और वहाँ रह कर अपने रिएक्शन शो कर सकता है अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हर शेल के अंदर फर्दर डिवीज़ हैं हर फ्लोर के अंदर जिस तरह डिफरेंट रूम्स होते हैं इसी तरीके से जो शेल्स हैं आपके उनके अंदर फर्दर डिवीजन हैं फर्दर उनकी आ, हुई हुई है कंपार्टमेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन तो उनके बारे में बात करते हैं वो किस तरीके से हैं के शेल जिसको मैंने आपसे कहा कि लोएस्ट एनर्जी लेवल है जिसके अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो उसके अंदर सब शेल कितने होंगे उसके अंदर फर्दर रूम कितने हैं उसके अंदर एक ही रूम है और जिसका नाम है एस और इसके अलावा जो हमारा सेकंड शेल था जिसका नाम मैंने एल दिया उसके अंदर स्टूडेंट्स कितने रूम्स हैं उसके अंदर दो रूम्स हैं क्योंकि उसमें टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो उसके अंदर जो पाए जाने वाले सब शेल हैं उसे कहते हैं एस और पी इसी तरीके से जो हमारा थर्ड शेल है एम उसके अंदर थ्री सब शेल्स पाए जाते हैं और जो फोर्थ शेल है जो कि एन है उसके अंदर फोर सब शेल्स एस पी डी एफ पाए जाते हैं इन सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आकर अरेंज होते हैं फर्दर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपकी आसानी के लिए आपको समझ आए कि क्या हो बात क्या रही है ये देखें स्टूडेंट्स यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है सोडियम की सोडियम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें पता होना चाहिए यहां पर चूंकि है कि सोडियम के अंदर ग्यारह इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन ग्यारह इलेक्ट्रॉन्स को हम अकॉर्डिंग टू के एल एम किस तरह से अरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारे पास ग्यारह इलेक्ट्रॉन है के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जब ग्यारह में से दो माइनस किए तो पीछे कितने बजे नौ नौ में से आठ इलेक्ट्रॉन एल शेल में आ सकते हैं क्योंकि एल की कैपेसिटी ही स्टूडेंट्स एट शेल्स की है अब रहा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो वो कहाँ जाना पसंद करेगा या जा उसके पास चांस ही कहाँ जाने का वो है एम तो जब इस कॉन्फ़िगरेशन को इस डिवीजन को हम सब शेल के हिसाब से लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं वन एस टू और थ्री स्टूडेंट बेसिकली ये जो एट एट है सॉरी स्टूडेंट्स ये जो एल शेल है एल शेल फर्दर मैंने अभी आपको बताया कि एल शेल के अंदर दो डिवीजन हैं या दो रूम्स हैं वो कौन कौन से हैं एस और पी तो ये देखें यहाँ पे हमने टू का जो लव्स लगा ये जो टू हमने लगाया है यहाँ पर ये शो कर रहा है एल को थ्री शो कर रहा है एम को मैं आपको बोर्ड पे एक दफा फिर समझा देती हूँ इसको ताकि आसानी हो जाए आपके लिए सोडियम की हमने बात की कि उसके के शेल में दो आ सकते हैं एट एल शेल में और सिर्फ एक जो है वो एम शेल में आ सकता है हमने स्टूडेंट्स ये देखा कि के शेल जो है के शेल हमारा फर्स्ट शेल होता है और उसके अंदर कितने सब शेल होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल है एस तो हमने लिखा वन एस और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने इसके ऊपर लिख दिया अब इसके बाद एल की बात करते हैं जो एल शेल है उसका नंबर क्या है स्टूडेंट उसका नंबर टू है तो उसमें हमने टू लगा दिया लेकिन एल शेल में फर्दर कितने सब शेल हैं दो हैं एस और पी तो पहले हम एस की बात करेंगे एस के अंदर मैक्सिमम सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए लेकिन हमें पता है एल शेल में एक और सब शेल भी आता है जिसको कहते हैं पी और पी के साथ भी हम टू लगाएंगे रिमेनिंग आठ में से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो कितने बचे छः इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सिक्स इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा एम शेल है उसका किता क्या नंबर है उसका नंबर है थ्री और उसके अंदर तीन सब शेल ज़रूर हैं लेकिन सोडियम के लिए वहाँ पर सिर्फ एक सबशेल जो है वो काम करेगा और वो होगा एस और उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम से शेल और सबशेल को देखते हैं काइंडली नंबर ज़रूर याद रखें और ये याद रखें कि हर शेल के अंदर कितने सबशेल हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए पेपर में ज़रूर आती है एक सवाल लाजमी आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का तो उसके हिसाब से ज़रूर तैयारी कीजिए आप तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अपने अगली चीज़ की जो कि है आइसोटोप्स हमने अब तक देख लिया एटम की डिस्कवरी किस तरह से हुई एटम्स के अंदर पार्टिकल्स कैसे पता चले हमें ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अब हम बात करेंगे आइसोटोप की आइसोटोप किसे कहते हैं स्टूडेंट बेसिकली किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो उनके अंदर भी वेरिएशन है पाई जाती है लेकिन वो वेरिएशन किस तरह से पाई जाती है कि अगर हजार एटम आपके पास कार्बन के हैं तो उन हज़ार एटम्स में से कोई एक एटम ऐसा होगा जिसका जो मैस नंबर है वो बाकी सबसे डिफरेंट होगा हजार एटम्स अगर एक जगह पर हैं कार्बन के तो प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल है कि वहाँ पर एक एटम ऐसा ज़रूर होगा जिसका मैस जो हम ट्वेल्व यूज़ करते हैं अटामिक मैस उससे डिफरेंट होगा तो इस चीज़ को हम कहते हैं आइसोटोड मतलब अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स अगर आपको पता हो कि मास नंबर किसे कहते हैं मास नंबर का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स مختلف होंगे मास नंबर को डिटरमाइन करते हैं हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से हमने अपने पिछले चैप्टर में भी ये बात सीखी है और हमने की है कि मैथ नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैथ नंबर फ़र्क होने का मतलब ये है कि एक एलिमेंट के एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर मुख्तलफ हो सकता है प्रोटॉन का नंबर मुख्तलिफ नहीं होता इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम रहती है क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जैसे होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है लेकिन उनका न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो जाता है आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो चूंकि मैंने अभी जैसे बात की कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेंगी लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएंगी अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल कि एक्चुअली आइसोटोप हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की हम हाइड्रोजन के जो रिएक्शंस देखते हैं पढ़ते हैं करते हैं उनमें हम उसका अटामिक मैस वन ही लेते हैं लेकिन नेचर में इसके एटम के इस हाइड्रोजन के इस एटम के अलावा भी दो और तरह के एटम हैं जिनके अंदर मैस नंबर मुख्तलिफ हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं स्टूडेंट्स ये देखें वो एटम जिसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है उसको नाम देते हैं प्रोटियम का और ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एटम है इसके बाद जो दूसरा हमारा आइटम है उसके अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है और साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी है इसका नाम है ड्यूट्रियम। और थर्ड जो हमारे पास आइसोटोप है उसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है जिसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैस नंबर थ्री हो जाएगा टू एंड वन थ्री तो यहाँ पर हमने थ्री लिखा है तो इसका नाम है ट्रीटियम तो ये है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिनके अंदर न्यूट्रॉन नंबर आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है बढ़ता हुआ अब हम एक दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आइसोटोप ऑफ कार्बन की बात करते हैं कार्बन के नॉर्मली अबंडेंट जो पाया जाता है एटम उसमें छः इलेक्ट्रॉन छः प्रोटॉन और छः न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन उसके जो फर्दर आइसोटोप्स हैं जो उसके दूसरे आइटम्स हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर एक में सेवन है और एक में एट है इसी तरीके से उनके मास नंबर सिंपल कार्बन ट्वेल्व ये आइसोटोप जो है इसमें थर्टीन और ये फोर्टीन ये दोनों रेडियो एक्टिव एटम्स uh, कह सकते हैं, हैं। ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं अब यूजेस की बात करते हैं जो आइसोटोप्स हैं इनका फायदा क्या है इनके बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हैं, और इनकी एप्लीकेशन जो हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले रेडियोथेरेपी कैंसर की ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन uh, इस्तेमाल की जाती हैं वो उनके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला होता है जैसे कि स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट में फास्फोरस 32 और स्ट्रॉनशियम 90 इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा जो मेडिसिन हैं या डायग्नोसिस कहते हैं कि जब कोई इलाज शुरू हो जाता है तो उसकी प्रोग्रेस देखनी होती है तो उसमें भी आइसोटोप्स uh, को इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि थायराइड ग्लैंड में जब गोइटर का प्रॉब्लम आता है तो उस वक्त जो हम आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं वो है आयोडीन आयोडीन 131। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजी और जियोलॉजिकल यूज़ में ज़मीन से जो चीज़ें निकलती हैं जो पुराने ज़मीन के अंदर से मिलते हैं हमें फॉसिल्स वगैरह उनके बारे में जानना उनकी एज पता करना उनकी एज पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का एक अमल इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डेटिंग क्या होता है क्योंकि हर और आ, हर जो फॉसिल ज़मीन से निकलती है उसमें कार्बन होता है तो कार्बन के रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रेजेंस देखी जाती है उसके अंदर कि वो कितना है वो बता देता है उसकी हाफ लाइफ बता देती है कि इस पर्टिकुलर फ़ॉसिल की एज कितनी है तो आर्कियोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल है आइसोटोप्स का उसके अलावा केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन देखने हो या किसी भी प्रोसेस के अंदर देखना हो कि किस तरीके से कंटिन्यू करता है तो आइसोटोप रेडियोएक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि फोटोसेंसिस की पाथवे को पढ़ने के लिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल होता है उसमें वो कार्बन फोर्टीन होता है उसको उस कार्बन फोटीन को लेके आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले लेते हैं अपने अंदर एडजस्ट कर लेते हैं जिससे फर्दर वो ग्लूकोज बनाते हैं तो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो फिर आइडेंटिफाई होता चला जाता है और उसके अलावा सबसे मेजर एप्लीकेशन जो है वो पावर जनरेशन में है स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि जो हमारे पास क्या कहते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम वो हमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी uh, प्रोवाइड करता है वो यूरेनियम हमें इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है कि जब इस यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है तो इसमें से बेरियम क्रिप्टॉन और तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है ये जो एनर्जी है स्टूडेंट्स ये इतनी ज़्यादा होती है कि ये पानी को बॉइल करके स्टीम बना देती है और फिर स्टीम इंजनस चलते हैं जिससे आगे फर्दर टर्बाइन मूव करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है तो ये थी स्टूडेंट्स आइसोटोप की यूज़ uh, हमने इस चैप्टर में आइटम के बारे में उसकी डिस्कवरी के बारे में उसके फर्दर पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश की आई होप आपको समझ आई होगी इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करें और इसके साथ ही अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़